मैंने आपसे कहा था कि आज आप समय तत्व की बात है। जो हम एक पेड़ की ओर देखें और उसका रुद्धिंगत होना, उसका बढ़ना देखें, तो यह चीज समझ में आता है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति प्रभावित है या प्रवाहित है जिसके कारण ये पेड़ बढ़ रहा है और अपनी पूर्ण स्थिति को पहुंच रहा है। यह शक्ति उसके अंदर है, नहीं तो यह कार्य नहीं। लेकिन यह शक्ति उसने कहां से पाई? इसका तत्व मन हो गया। जो चीज बाह्य में दिखाई देता, जैसे कि पेड़ दिखाई देता है, उसके फल फूल पत्ते सब दिखाई देते हैं, ये तो कोई तत्व नहीं। इस तत्व पे तो ये चीज आधारित नहीं, वो चीज कोई ना कोई इससे सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को तो हम देख नहीं पा, उसकी अगर साकार स्थिति होती तो वो दिख जाता, लेकिन वो निराकार स्थिति में, माने कि उसके अंदर जो चलता हुआ पानी, वो भी उसका तत्व नहीं। वो हालांकि वहन कर रहा है, पानी उस शक्ति को अपने अंदर से वहन कर रहा है। अगर पानी ही सब शक्ति, तो किसी पत्थर में पानी डालने से वहां से पेड़ क्यों नहीं निकला? तब तत्व में ये जाना चाहिए कि हर एक चीज का अपना अपना तत्व है। पानी का अपना तत्व है, पेड़ का अपना तत्व है और पत्थर का भी अपना तत्व है। उसी तरह मानव का भी अपना एक तत्व है, प्रिंसिपल है, जिसके बूते पर वो चल रहा है, बड़ा हो रहा है, जिससे उसकी उद्देश्य प्राप्ति होती है। ये तत्व एक हो ही सकते, जैसे कि मैंने बताया कि पानी के तत्व पे ही अगर पौधा निकल रहा है तो वो एक पत्थर से पौधा क्यों नहीं निकला? अगर बीज के ही तत्व से बीज पनप रहा है तो वो धरती माता के शरण क्यों जाता? अगर धरती माता के ही वजह से सारा कार्य हो रहा है तो धरती माता की वजह से ये जो पत्थर है ये भी तो भी पनप है। इसका मतलब यह है कि अनेक तत्वों में एक तत्व, लेकिन तत्व अनेक। ये सब अनेक तत्व जो है ये एक के समान, और ये जो अनेक तत्व है ये हमारे अंदर भी स्थित है, अलग अलग चक्रों पर इनका वास है, लेकिन एक ही शरीर में समाये है और एक ही ओर इनका कार्य चल रहा है और एक ही इनका लक्ष्य है और एक ही चीज को रोक रहा है। जैसे कि मूलाधार चक्र पे गणेश तत्व, गणेश जी का, गणेश जी का तत्व होता है जिसके कारण हम आज पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, यहां से फेंके निकाल। अगर हमारे अंदर गणेश जी का तत्व नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर हम टिक ले सकते थे? इतने जोर से ये पृथ्वी घूम रही है, इस पर हम चिपके रहे। कोई कहेगा कि पृथ्वी के अंदर भी ये गणेश तत्व है, मां ये भी बात सही। पृथ्वी के गणेश तत्व के वजह से ही हम इस पृथ्वी पर जमे हुए हैं। लेकिन जो तत्व पृथ्वी के अंदर है उसे उसका एक्सिस कहते हैं, माने जिस लाइन में वो तत्व फंसा हुआ है उसे एक्सिस कहते हैं। ऐसे हालांकि कोई एक्सिस है नहीं, कोई ऐसे सलाद की तरह की चीज नहीं है, पर मानते हैं कि जो शक्ति है इसके तत्व की वो इस लाइन से चलती है, उसी के ऊपर पृथ्वी घूमती है बीचों बीच। सो वो तत्व हमारे अंदर
क्या बन के रहता जिससे हमें दिशा का स्थान होता। जानवरों में ये तत्व ज्यादा होता है, पक्षियों में ये ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भोले भाले जी उन्हें छल कपट वही राधे कृष्ण वो विचार नहीं कर सकते, उन्हें विचार करने की शक्ति नहीं है और ना ही वो आगे का सोच सकते ना ही वो पीछे का सोचते हैं, जो चीज उनके सामने आती है उसी से होगा, पीछे का बिल्कुल नहीं सोचते। आपको आश्चर्य होगा अगर कोई मंदिर आप देखिए मचा, जब तक वो मरता नहीं तब वो लोग सब हाय तो वहां मचाएंगे, जैसे वो मर जाएगा उसको छोड़ देंगे भाग गए, उनको कोई मतलब नहीं, गत खत्म। अब इससे कोई मतलब मर गया ये तो ऐसे होगा जैसे दूसरे पत्थर, उनसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर ये जरूर है कि अनुभव करो, जैसे कि एक बार आपने शेर को पकड़ने की कोशिश की और उसको जाल में फंसाया, दो तीन बार जब ऐसा उसके उसमें से छुटकारा अगर उसका हो गया तो फिर वो ताल जाता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। बहुत कुछ तो भगवान ने भी हुई चीज है, लेकिन कुछ कुछ वो सीख भी जाता है अनुभव से कि क्या चाल लोग चल रहे हैं और इससे कैसे बचना चाहिए। अनुभव से भी बहुत कुछ जानवर सीख, लेकिन तो भी उसके अंदर परवार परमात्मा की दी हुई चीजें बहुत ज्यादा है, जिसको वो जानता रहता है उत्सुक है उसके अंदर, उसकी स्फूर्ति आती है। जैसे जापान में कुछ ऐसे पक्षी है, जब वो उड़ने लग जाते हैं ज्यादा ज्यादा और भागने लग जाते हैं तब लोग समझ जाते हैं कि अब जलजला आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्योंकि ये पक्षियों को उसकी घरघराहट मनुष्य बहुत पहले सुनाई देती है। जानवरों को भी आवाज मनुष्य बहुत ज्यादा जल्दी सुनाई देती है, बहुत सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति। अगर कोई चीज ऊंचाई से भी देखे तो वो समझ जाती है कि यह आदमी मरा है कि जिंदा है। ये सारी जो पांच इंद्रियों की शक्तियां हैं ये जानवरों से इंसान में ज्यादा है, और उसमें से जो सबसे बड़ी शक्ति उसके पास होती है जो गणेश तत्व से पाई जाती है वो है दिशा का अंदाज। कौन सी दिशा में जाना चाहिए, मैंने कल आपसे बताया था कि पक्षी जब उड़कर के साइबेरिया से आते हैं तो वो उसी वजह से जानते हैं कि हम उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण जा रहे हैं या पूर्व जा रहे हैं पश्चिम जा रहे हैं। पर जैसे जैसे गणेश तत्व कम होते जाता है मनुष्य में, वैसे वैसे दिशा का ज्ञान उसका दूसरी तरफ होता है। मनुष्य प्राणी में जो आदमी बहुत ज्यादा सोच विचार से चलता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, इसमें कितना लाभ होगा इसमें कितना नुकसान होगा, इसमें रुपया लगाऊं उसमें रुपया लगाऊं, इस तरह की फालतू की बातों में जो मनुष्य अपना चित्त बर्बाद कर देता है उसको दिशा का भान बड़ा कम हो जाता है। उसको आप एक दिशा में खड़ा कर दीजिए कि आपको उत्तर की ओर जाना है, ये उत्तर है, थोड़ी देर में देखिएगा कि वो दक्षिण की ओर चले जाए, रास्तों का उसे ध्यान नहीं देता। अगर आप उसको कहे खड़ा कर दीजिए और पूछे रात के वक्त में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करने कैसे बताया जाए, सूरज तो है नहीं। जब आपका चित्त इस तरह से बाहर की ओर बहुत ज्यादा हो जाता है और या तो आप किसी के चालाकी से पस्त होते हैं या किसी को चालाकी से आप घुमाना चाहते हैं, दोनों भी चीजें आप या तो भयग्रस्त है कि दूसरा आदमी चालाकी से आपको खा डाले और या तो आप इसके पीछे लगे कि इसको चालाकी से कैसे डुबाया जाए, दोनों हालात में आपकी जो अमूर्ता है जो आपका इनोसेंस है वो घटता जाता है और जब ऐसी गति आ जाती है तब आपको दिशा का भान नहीं रहता। एक छोटी सी बात बताए आप लोग बुरा हो, मैं आजकल देखती हूँ, पहले लड़कियों में बात नहीं थी, उनमें भी ये बात देखती हूँ दिल्ली शहर में ज्यादा है कि हर आदमी के और नजर खा के अब वो देखने लगे, पहले तो मत देखा करते अब औरतों ने भी शुरू कर दिया। अब इसको आप सोचते हैं कि बहुत ही सीधी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, हर आदमी के और जरूरी ऐसे देखना,
इसे लोग कहेंगे कि इसमें कोई शिष्टाचार की बात ना कह रही, नहीं ये बड़ी गहरी बात है। जितना आप देखते हैं उतने ही आपका चित्त बाहर की ओर जाता है। जितनी आपकी दृष्टि बाहर की ओर जाएगी उतना ही आपका पूरा धार चक्र खराब होगा, विशेषकर के इस तरह की चीजों की ओर। या बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर रास्ते में जितनी चीज लिखी हुई हर एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए, अगर एक दो बच गई तो फिर पीछे मुंह के देखेंगे वो लग गया। या हर चीज जो बाजार में बिक रही जरूरी उनको हर एक चीज देखनी चाहिए कि कौन सी चीजें कौन सी चीजें कौन सी आम का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से बहुत नजदीक है। पीछे की तरफ में यहां पर जो हमारा मूलाधार चक्र है इसका संबंध हमारी आंख से बहुत जबरदस्त है। इसलिए जो लोग अपनी आंखें बहुत इधर उधर चलाते रहते हैं उनको मैं आगाह कर देना चाहती हूं उनका मूलाधार चक्र बहुत खराब है और अजीब अजीब तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ती है। सबसे तो बात यह हो जाती है कि ऐसे आदमी का चित्त स्थिर नहीं होता क्योंकि वो अपनी दिशा भूल गया। इधर उधर भीड़ देखना भी एक दिशा भूल का ही नमूना है। जिस आदमी को अपना दिशा मालूम है वो सीधे चला जाता है। दिशा का भूल जाना मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कोई वजह नहीं वो दिशा को भूल। जब कहीं उसका समझ लीजिए एक जानवर ने किसी दूसरे जानवर को मार के कहीं डाला, उसको मालूम है उसे कहां डाला है, उसको उसकी सूंघ आएगी, उसको समझ में आया वो बराबर अपने मौके पर पहुंचा, भटक नहीं सकता। आप किसी बिल्ली को अगर घर से निकालना चाहें तो 7 मील दूरी पर उसे ले जाकर छोड़ दीजिए तो भी शायद वापस चले आए। कुत्ते में तो क्या फायदे, कुत्ता तो ऐसे सूंघते घूमता है उसको फौरन पता चल जाता है चोर कहां गया और कहां चीज चले। लेकिन मनुष्य के अंदर सूंघने की शक्ति भी बड़ी नष्ट होती है। उसको गंदगी की तो बदबू आने लगती है लेकिन पाप के गंदगी की नहीं, वो उसे नहीं सूंघ पाता है जो हमारे अंदर पाप बन के जी रहा है और जो दूसरा आदमी महापापी है उसके साथ हम खड़े। उसको इसकी बदबू जरूर आ जाएगी कि यहां गंदा पड़ा है, वहां सफाई नहीं है, ये नहीं हो। लेकिन कोई महापापी भी उनके पास खड़ा हुआ उसकी बदबू नहीं आएगी। अगर वो बाहर में कोई आदमी हो, मिनिस्टर हो, कुछ हो, तो उसके चलने जाते में भी वो कभी नहीं करेगा। गणेश तत्व के खराब हो जाने से मनुष्य का सारा ही जीव का नचे अस्तित्व खराब है। और गणेश तत्व जो है इसमें चंद्रमा का विशाल है। चंद्रमा जब बिगड़ जाते हैं तो आप जानते हैं कि उदासी की बीमारी हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है। और पागल तो क्या होता है, उसमें असल में बात यह हो जाती है कि जब आदमी इस तरह से बिल्कुल इधर उधर अपनी आंखें घुमाने लग जाता है तो उसका चित्त जो है अपने आप अपने काबू में नहीं रहता और कोई सी भी दुष्ट आत्मा उस पर आघात कर सकता। जब विदेश के लोगों को मैंने बताया कि तुम लोग क्या कर रहे हो अपनी आंख के साथ, ईसा मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि यह लिखा गया है कि thou shalt not commit adultery, लेकिन आई वुड वेरी से टू यू thou shalt not have adulterous eyes। हम इस तरह से अपना गणेश तत्व खराब करते रहते हैं और जिसका गणेश तत्व खराब हुआ उसकी कंडलिनी टिक नहीं सकती, फिर खींचकर वापस चल जाते, कितनी भी ऊपर उसको लीजिए फिर कुंडलिनी जैसे कोई घिर ही ना होती है, इस तरह से गणेश उसे खींच लेते। एक तो ऐसे इंसान की कुंडलिनी उठती नहीं और उठती भी है तो फिर जाते दब जाते। इसलिए समझ लीजिए कोई आदमी चोर हो, चकार हो, चोरी करता हो तो परमात्मा की नजर में इतनी बड़ी गुनाह नहीं है। गवर्नमेंट की चोरी करता है
तो पता नहीं इसमें, जैसे मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, अपना इनकम है, अब गवर्नमेंट जितना टैक्स लगा उसका क्या फिगर, उसका तो कोई ठिकाना नहीं इसमें। अब कौन चोर है भगवान जाने, गवर्नमेंट चोर है कि बेचारा जिसका इनकम टैक्स था ग्यारह को चोर। इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी अपना इनकम टैक्स भरे। लेकिन बात परमात्मा की नजर में वो आदमी बहुत दूषित है जिसकी नजर स्त्री के ऊपर शुद्ध नहीं, सिवाय अपनी पत्नी छोड़कर और बाकी सब औरतें शुद्ध स्वरूप से देखना आना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इसको मानते नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन हमारी उम्र में हम तो अधिकतर लोगों को ऐसा ही देखते हैं। अब इस उम्र में जब देखते हैं तो हमारे उम्र के जो लोग बुढ़े लोग हैं वो भी सत्यानाश हो गए। बुढ़ापे में उन्होंने अपने जवानों से ये बातें की, अब बुढ़े ज्यादा ही बर्बाद हो गए जवानों से। कुछ समझ में नहीं आता है कि इन लोगों की अकल कब आई। जब जवान थे, जब हम लोग छोटे थे तो कोई मजा है, कभी भी ऐसा सवाल नहीं उठता था, बहुत ही कम। हम तो अकेले चले जाते थे कहीं, पंजाब में भी हम पड़े हुए, पंजाब में मजा नहीं, कोई बदतमीजी कर ले सब लोग खा खाएंगे उस आदमी को। एक भी आदमी बदतमीजी करने में डरता था पंजाब के अंदर। अभी वही के पंजाबी, ये लोग पंजाबी है कि क्या है पता, मजा नहीं है। सदाबी लोग कभी किसी के कोई एक औरत को कोई कभी एक बुरी निगाह से किसी ने देख लिया तो उसको तो पूरा खराबी हो जाती। और आज ये अपनी हालत हो गई है, किसी को किसी का पता है। और अब हम कहते हैं कैसे हो सकता, हमारा तो चित्त ही नहीं बच सकता। अरे 50 साल पहले ये नहीं था, 40 साल पहले ऐसा नहीं था, तो आज क्या हो गया है कि हम लोग के सभी आंखों की शर्म हया इनके कहां चले। और भी कोई बताता बोलता क्या शर्म हया करो, वो तो एकदम आदाब हो ही जाता था, इंसान तो पता ही रहता। इसी तरह से पहले लोग रहते, आजकल बहुत लायक हो गए ना, ऐसे भी आफत चलती है। और हमने इसमें अपना गणेश तत्व खोल दिया, बहुत कुछ। कल आपने पूछा इसलिए मैं बता रही हूं, नहीं तो मैं कहती नहीं हूं, लोग बुरा मान जाते। लेकिन आजकल की जो हवा है ये बहुत खराब है, बहुत नुकसान है। इसी से हमारे यहां सब तरह के इंडिसिप्लिन, खराबी और बदतमीजियां और दुष्टता है। कि जब आप इस तरह के काम शुरू करना शुरू कर देते, अब तो जब औरतें भी इसी धमकी हो गए तो आदमियों का क्या हाल। आपको इतना बुरा क्या लग गया पता जी, फिर बीच में सुनते कौन सी बात। इस तरह आजकल औरतों का भी ये ढंग है, आदमी तो आदमी, औरतें इस तरह की होने लगे तो इस तरह के संसार में परमात्मा का राज्य आना मुश्किल है। अब अक्सर ऐसे गुरु भी हो रहे हैं जो सिखाते हैं कि ऐसे धंधे को उससे भगवान मिल जाए तो और भी अच्छा। ऐसे गुरुओं के लाखों से लोग आ जाते, ऐसे गुरुओं के हाथ पड़ते हैं, यहां आप इतने बैठे हैं ऐसे गुरुओं के पास आपके जैसे दस गुना बैठे। ये बातें किसी को अच्छी थोड़ी लगती है, कहा जाए भाई ठीक है जैसा करना करो, आराम से अपने गणेश तत्व को खूब कुचल मारो और गणेश जी को छुसुला। गणेश तत्व जो है ये कोई साइंस साइंस की बात नहीं है, ये तो पवित्रता की बात है। पवित्र आदमी होना चाहिए, होलीनेस। लोग मुझे हाल होलीनेस तो कहते हैं, लेकिन मैं होलीनेस की बात करती हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि आपका तो कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि आपको पवित्र होना चाहिए। माता जी तो एक अजीब गुरु है, पहले ही शुरू कर देते कि आपको पवित्रता रखनी चाहिए, ये कोई तरीका हुआ। अभी तो गुरु यही कहते भाई जो करना है करो, इधर तुम्हारा पैसा जमा कर दो, मैं काम कर लो। पैसा तुमने जमा किया कि नहीं। सुंदर की जागरण जो है ये असलियत है, रियालिटी है, एक्चुअलाइजेशन। इसके लिए मनुष्य को पवित्र होना जरूरी है। अगर आप पवित्र नहीं है तो आपको कुंडली जागरण का कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। फिर भी मां का रिश्ता है, मां मानने को तैयार कभी नहीं होती कि मेरा बेटा जो है गिर गया। इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको लालचन लगता है, तो सारी अपनी पुण्याई लगा करके कहती कि अच्छा पार तो करा दो।
और ये बात जानना चाहिए कि आप बुरा माने चाहे भला माने, अपने जीवन को पार होने के बाद आपको जरूर पवित्र बना सकते हैं। पवित्रता आप में बहुत जरूरी आनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप सन्यासी बन के घूमिए, सन्यासी हो भी नहीं सहयोग मिल सकता। यह मतलब मेरा बिल्कुल नहीं कि आप कोई अनैचुरल तरीके से रहिए, अनैसर्गिक तरीके से, बिल्कुल नहीं। इससे आदमी बड़ा ही सूख जाता है, एकदम सुख ऐसा हो जाता है, वो भी मना है। लेकिन मंगलमय विवाहित जीवन सहजोग में आशीर्वादित होता है। यहाँ तक कि सहजोग के विवाह भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमने देखे लाभदायी होते हैं। सहजोग की तरफ से हम लोग विवाह करते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। विवाह एक मंगलमय कार्य है और उसमें आप जानते हैं हम गणेश को हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र नहीं है तो आप परमात्मा की बात नहीं कर सकते। सच बात है, सुनो। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि माँ हमारे कर्मों के फलों का क्या होगा और हमारे कर्म अच्छे नहीं। बहरहाल मेरे सामने ये बातें नहीं करने की, क्योंकि माँ के लिए सब कुछ मुश्किल काम नहीं। उनका नाम ही बनाया पापनाशिनी वगैरह, तो अब क्या करें। लेकिन पार होने के बाद याद रखना चाहिए कि सब गुना माफ है पार होने तक, क्योंकि आप पार नहीं थे, अंधेरे में तो चलो जो भी किया सब गुना। लेकिन उसके बाद ये बात जाननी चाहिए कि अपने गणेश तत्व को आप बहुत आसानी से जगा सकते। जब ये प्रदेश के लोगों का मेल जम गया है तो आपने क्यों न जमे। जब इन लोगों ने सीख लिया है कि पवित्रता क्या है तो क्या आप लोग नहीं जमा सकते। कम से कम ऐसा हिंदुस्तानी मुझे नहीं मिला कि जो अपवित्रता को अच्छी समझता करता है, लेकिन जानता है कि गुनाह है, गलती है, ये समझता है। कोई भी हिंदुस्तानी चाहे प्रदेश में रहो चाहे आप, करता है लेकिन वो जानता है गलत काम। लेकिन ये तो बेचारे ये भी नहीं जानते कि गलत काम, ये तो सोचते अच्छा काम, ये तो कटिंग करना ही चाहिए, ये केवल आपका कल्याण नहीं, ऐसा भी ये लोग सोचते। इतने ये बेवकूफ है इस मामले में, यानी सरल है बेचारा, तब भी वो बच गए, आप भी बच सकते। लेकिन जिम्मेदारी आप पर है इस गणेश तत्व को बनाए रखे। जैसे गणेश है, देखिए हम मूलाधार चक्र जो है ये कहाँ पर, जो कुछ भी विसर्जन क्रिया है जिसको कहना चाहिए स्टेशन जितना होता है उस पर श्री गणेश बैठा था, वो सारा कार्य श्री गणेश का। क्योंकि श्री गणेश जैसे कीचड़ में कमल होता है, इस प्रकार अपने सुगंध से सारा सौरभ इतना लिताते हैं कि वो कीचड़ भी सुगंधमय हो। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही आपका गणेश तत्व जमना शुरू हो जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी जानते भी नहीं होंगे कि कितना आनंद अंदर से आने लग जाता है, क्योंकि तत्व निर्मल है इसका। तत्व का मतलब ही निर्मल का है। जो चीज निर्मल है माने तत्व पे आ गई, उसका मल ही सारा है, और वही निर्मल होता है जो किसी मल को अपने अंदर जमने ही ना। कोई भी चीज जो निर्मल करती है वो तत्व ही होता है, क्योंकि तत्व से कोई चीज निपट नहीं सकती, तत्व हमेशा तत्व बना रहे। इसलिए सबसे पहले हम लोग श्री गणेश को ही आवाहन करते और उनकी आराधना करते और उनको हम मानते हैं। लेकिन आजकल लोग ऐसे भी निकल गए हैं कि कुंडलिनी के नाम पर गणेश जी का अपमान करें सुबह से शाम तक, इतना अपमान कर रहे हैं कि मैं आपसे बता भी नहीं। कुंडलिनी उनकी मां और वो भी कन्या, कन्या स्थिति में जब पहुंची थी, जब पति के विवाह से पहले उनका स्वागत करने के लिए नहाने गई थी, विवाह हो चुका था लेकिन अभी पति से मुलाकात नहीं हुई, तो जब नहाने गई थी तब उन्होंने श्री गणेश को बना के बात उनके पास में अपने कहते हैं, ये बात सही है, एक दूसरे माने में या एक दूसरे आयाम में बात कि वो अपनी मां की रक्षा करें, उनके
प्रतिष्ठा की, उनके प्रोटोकॉल की रक्षा करें, उनकी पवित्रता की रक्षा करें, क्योंकि वो वर्जिन है, वो कन्या। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जो कुंडलिनी है वो गौरी स्वरूप है, अभी वर्जिन है, उनका अपने पति से मेल नहीं हुआ, पति उनके आत्मा स्वरूप शिवजी है। और गणेश वहां बैठे हुए हैं, और उस दरवाजे से श्री गणेश जिस दरवाजे पे बैठे हैं उस दरवाजे से शिवजी भी नहीं जा सकते, इतना पवित्र दरवाजा है। और ये दुष्ट लोग, इनको तांत्रिक कहना चाहिए, उस तरह से कोशिश करते हैं कुंडलिनी के और जाने की, और इसी वजह से उनको हर तरह की तकलीफ होती है। जिस आदमी में पवित्रता नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कुंडलिनी जागरूक करे। अगर ऐसा आदमी कोशिश करेगा तो जरूरी है कि श्री गणेश उनके नाराज हो जाएंगे और फलस्वरूप उनके अंदर अनेक तरह की विकृतियां आ जाए। कोई लोग तो उसमें मैंने सुना है कि नाचने लग जाते हैं, कोई लोग हैं चिल्लाने लग जाते हैं, कोई भ्रमिष्ठ हो जाते हैं, और कोई लोग जानवरों जैसे बोली निकालने लगते हैं। किसी किसी लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं पूरे बॉडी, जो कि ऐसे लोगों के पास हो जाते हैं जो अपवित्र हैं और जिनको कुंडलिनी के लिए कोई भी मालूम आते हैं। और जब वो कुंडलिनी की तरफ अग्रसर होते हैं गलत आंसुओं से और गलत तरीकों से, तब उन पर स्वयं साक्षात श्री गणेश रखते हैं, साधक के श्री गणेश, और साधक को बहुत तकलीफ है। सारा तांत्रिक शास्त्र गणेश जी को नाराज करके पाया जाता है, जिसे कि लोग तांत्रिक कहते हैं, असल में तांत्रिक नहीं है। जो वास्तविक निर्मल तंत्र है वो ये है जो सहजयोग है, क्योंकि अगर तंत्र माने कुंडलिनी है, यंत्र माने कुंडलिनी है, तो ये शास्त्र सिर्फ सहजयोग में ही जाना जाता है, और बाकी जो तांत्रिक है ये परमात्मा के विरोध में है, पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। और ये गणेश जी को नाराज करके या देवी जी को नाराज करके उनके सामने व्यभिचार करके ऐसी सृष्टि तैयार करते हैं जहां वो अपने दुष्ट कारनामे कर सकते हैं, जहां प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि करके लोगों को भरवा सकते हैं। ये बहुत समझने की बात है कि जिस आदमी का गणेश तत्व ठीक होगा उसके कभी तांत्रिक हाथ नहीं मार, कभी नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश करें। अगर उस आदमी का गणेश तत्व ठीक है तो वो तांत्रिक मर जाएगा, पर इस आदमी का कोई बाल बाका नहीं। इसलिए गणेश तत्व जो है ये सुरक्षा का सबसे बड़ी सुरक्षा गणेश तत्व, इसलिए अपने गणेश तत्व को आपको बहुत ही ज्यादा सुचारू रूप से संभालना चाहिए। पहले तो अपनी नजर नीचे रखें, लक्ष्मण जैसे आग भरे अवतरण को भी अपनी आप पिताजी के चरणों में ही रखें। क्या उनके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन सीता जी के क्या, इसका मतलब वो किसी के भी चरण ही देखा, क्योंकि उन्हें ज्ञात कि ऊपर देखना, किसी के और दौड़ना, इसमें सिर्फ अपना चित्त ही को जाएगा। गणेश तत्व हमें पृथ्वी मां से मिला, पृथ्वी मां ने हमें गणेश, और इसलिए इस पृथ्वी माता का अनेक बार धन्यवाद मानना चाहिए कि आपने हमें ये गणेश तत्व देकर के दिशा का ज्ञान दिया। जब मनुष्य के अंदर गणेश तत्व जागृत हो जाता है तो उसके अंदर विवेक बुद्धि आ जाती है। हम श्री गणेश से हमेशा कहते हैं कि हमें विवेक दी, हमारे अंदर विज्ञान दे दिए, सुबुद्धि दी। मनुष्य के अंदर अगर दिशा का ज्ञान नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे बुरे का उसको दिशा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए हम उनसे मांगते हैं कि आप हमें विवेक दीजिए, इसीलिए वो विवेक देने वाले माने जाते हैं, ये गणेश तत्व। अब हमारे अंदर जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वो है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व से हमारा धर्म धारण है, जो कि हमारे नाभि चक्र से प्रभावित होता है, जो हमारे नाभि में है, नाभि में हमारे अंदर धर्म धारणा। जैसे कि आप अमीबा थे तो आप अपना खाना पीना पूछते, जब आप अमीबा थे और ऊंचे हो गए इंसान की दशा में आ गए तब आप अपनी सत्ता पूछते, और उससे आगे जब आप जाते हैं
तो आप परमात्मा को पूछ, आपके अंदर ये धर्म है कि आप परमात्मा को खोजे। ये मनुष्य का धर्म है, जानवर नहीं खोज सकते और कोई भी प्राणी परमात्मा को नहीं खोज सकता, सिर्फ मनुष्य ही परमात्मा को खोज सकता। ये मनुष्य का धर्म है और इसके 10 अंग हैं और ये धर्म का तत्व विष्णु जी से हमें। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि विष्णु जी से हमें पैसा मिलता है और विष्णु जी से हमें और लाभ होते हैं। दस कराचा नस्ती थे बस होता है मेरा सब, लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ उनसे हमें पैसा ही नहीं। ये भी ऐसी ऐसी गलत भावनाएं हमारे अंदर बसी हुई है कि विष्णु जी से हमारे लिए जितना भी क्षेम है वो मिलता है और बाकी कोई नहीं। सारे क्षेम से क्या लाभ होता है आप देखिए। जब मनुष्य क्षेम को पाता है, समझ लीजिए एक आप ये दशा लीजिए कि एक मछली है, जब उसने पूरी तरह से ये जान लिया कि अब हम इस समुद्र से पूरी तरह से संतुष्ट, उस संतोष को पाए, तब उसे विचार आता है कि समुद्र को तो सब देख लिया, इसका तो हमने धर्म जान लिया समुद्र का, अब हमें जानना है कि जमीन का धर्म क्या। तो वो अग्रसर होता है। कोई भी मछली का अवतरण जो हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है कि एक मछली उसमें से बाहर आई। अब जब वो मछली बाहर आई, एक ही मछली, वही अवतार हम मानते हैं कि जो पहले बाहर आई, और उसने बहुत सारी मछलियों को अपने साथ खींच लिया। क्या सीखने के लिए कि धर्म क्या है, कौन सा धर्म, कि जमीन का धर्म क्या है, पहले इस जमीन के धर्म को सीख। इसलिए देखते हुए वो मछलियां बाहर आ गई। अब उनमें दूसरा धर्म सीखने की बात आ गई। पहले पानी का धर्म सीखा, फिर अब जमीन का धर्म सीखने लगे। जब जमीन का धर्म सीखने लगे तो रेंगते रेंगते उन्होंने देखा कि भाई पेड़ भी हैं, इन पेड़ से भी आप पत्ती खा सकते। सुधा पहली चीज होती जिससे कि आदमी खोजता, खोजने की शक्ति नाभि में ही पहले इसलिए होती है क्योंकि सुधा होती है, उसकी आपको इच्छा होती है कि आप किसी तरह से अपनी सुधा को तृप्त करें। तो देखता है कि पेड़ है, तो पेड़ के लिए जरूरी है कि भाई जो हमारा शरीर है ऐसा ही रेंगता रहे तो पेड़ की चीजें हम भी खा सकते। धीरे धीरे वो अपने उससे चार पांव इकट्ठे कर लिए, फिर कछुआ हो गया। कछुआ होने के बाद उसने देखा कि तो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, इसको कैसा करें। फिर अपनी क्षुधा शांत करने के लिए उसने सोचा चलिए जरा सा और ऊंचा हो जाए। इस तरह से करते करते वो जानवर भी हो गए, और जानवर होने के बाद उसने सोचा कि अब जरा गर्दन उठा के देखे। बहुत झुक झुक के रहे, अब गर्दन उठा के देखे। जब उसने गर्दन उठाई तब वो मनुष्य, धीरे धीरे फिर वो मनुष्य। तो हमारे अंदर ये जो धर्म है कि हम धर्म की धारणा करते हैं, जैसे कि पहले मछली का धर्म था कि पानी में वो तैरती थी, उसके बाद कछुए का धर्म था कि वो रेंगता था जमीन पर, उसके बाद जो जानवर थे उनका ये धर्म था कि वो चार पैर से चलता था लेकिन उसकी गर्दन नीचे थी, फिर घोड़े वोड़े जो थे उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची कर ली, उसके बाद उन्होंने सारा शरीर ही खड़ा कर लिया और दो पैर पर खड़े हो गए। ये मनुष्य का धर्म है कि दो पैर पर खड़ा है और उसकी गर्दन सीधी। ये तो बाह्य में हुआ, बहुत ही ज्यादा जड़ तरीके से आप समझे, लेकिन तत्व में क्या मनुष्य ने पाया। क्योंकि हर बार जब भी आप कोई सा भी काम करते हैं तो तत्व अपने कार्य में भी उसी तरह से प्रभावित होना चाहिए। समझ लीजिए आज इसमें से हम बातचीत कर रहे हैं तो आप हमें समझ रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कल इससे भी बढ़िया चीज कोई आ जाए तो उसकी मशीनरी जो काम करेगी वो भी एक नहीं होगी या नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर का भी जो तत्व है वो एक नया विकसित तत्व, और वो तत्व ये है कि वो परमात्मा को खोजता है। उसका जो तत्व है वो परमात्मा को खोजता है, इसलिए मनुष्य का प्रथम तत्व है परमात्मा को खोजना। जो मनुष्य परमात्मा को खोजता नहीं वो पशु से भी बदतर है। अब जब वो परमात्मा को खोजने निकला तब उसका तत्व जो है नाभि चक्र का पूर्ण हो गया। अब वो अगले तत्व पे आया कि जब परमात्मा को खोजने लगा तो उसने देखा कि संसार की सारी सृष्टि बनी हुई है, हो सकता है ये तारों में ग्रहों में और सब चीजों में ही परमात्मा, उसके तरफ उसकी दृष्टि। तब उसे हिरण्यगर्भ याद आए, उन्होंने वेद लिखे, उनको अग्नि आदि जो
पांच तत्व हैं उसके और उसका चित्त क्या, उसको जानने की उन्होंने कोशिश करी। उनको जानते हुए उन्होंने जो कुछ यज्ञ हवन वगैरह करने थे वो किए और ब्रह्मदेव और सरस्वती की अर्चना करी, और सब कुछ करने के बाद भी उन्होंने देखा कि अब इसको तो हम जान गए। जैसे कि साइंस में हम लोग सब कुछ जान गए, बहुत कुछ जान गए, लेकिन जब साइंस का नतीजा निकला तो उन्होंने सोचा ये क्या, हमने तो एटम बॉम्ब बना दी। अब उस कगार पे आके खड़े हो गए साइंस वाले भी कि भी आगे कहां जा रहे, अब तो गड्ढा ही सामने। अगर एक कदम आगे गए तो सारा ही संसार जो है एक क्षण में खत्म हो गया। अब उन्होंने किताबें लिखी, आप अगर पढ़े तो एक है कि शॉक पर लिखिए कि कितना बड़ा शॉक है और संसार में कितने लोग अज्ञान में बैठे हैं इसीलिए दुखी नहीं। जैसे फ्रांस के लोग हैं वो हमेशा मुंह लटकाए रहते, तो मैंने कहा भाई ये क्यों, तो कहने माँ इन लोगों को अगर कहिए कि आप सुखी और आनंदी है तो सोचेंगे कि आपसे बढ़ के बुद्धू कोई नहीं और आप बिल्कुल ही कुछ दुनिया की बात नहीं जानते। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि ये कहते हैं कि हम तो पढ़ते लिखते रहते और हमने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि दुनिया पे बड़ी भारी आफत आने वाली है और सारा संसार जो खत्म हो जाने वाला है और मनुष्य ने पूरी तैयारी कर ली है कि अपने को एक मिनट में खत्म कर लिया और ये बड़ी भारी आफत की चीज़ है और आप तो सुख में बैठे और आनंद में बैठे तो इनको विश्वास नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या इसीलिए लोग शराब पीते हैं, क्योंकि बड़े दुखी जीव है, सब बड़े दुखी है ना, मुंह लटकाने के वक्त तो दुखी है, फिर शराब क्यों पीते। अच्छा भाई ये भी कहिए कि अपना गम गलत कर हाँ ये भी एक बात समझ ले मैं आपकी गम गलत कर, लेकिन हर मोड़ पे ये गंदी औरत रास्ते में पैरिस में आपको खड़ी मिलेगी, ये किस सिलसिले में। ये मैंने कहा ये आदमी ने और एक अपने लिए एक नाटक बना के रखा है कि नाटक में भाई मैं बड़ा दुखी हूँ इसलिए मुझे शराब भी चाहिए और पाप भी करना चाहिए, अगर मैं पाप नहीं करूंगा तो मेरा दुख कैसे मिटेगा। इस तरह की बेवकूफी की बातें लोग करते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर तत्व में परमात्मा को खोजना ही सब बात है तो आप समझ सकते हैं कि साइंस के रास्ते से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। साइंस के रास्ते से आपने जो कुछ पा लिया है, जो कुछ आपने बड़ा भारी ज्ञान पाया है, उसे किसी ने भी आनंद को नहीं पाया पहली बार। हाँ ये जरूर है कि आप आलसी हो गए पहले से ज्यादा, अब आप चल नहीं सकते। इंग्लैंड में किसी को अगर किसी आप दुकान में चली जाइए अगर किसी को दो चार और छः का ये करके गुणन करके बताइए तो कर नहीं सकते, उनको वो चाहिए कंप्यूटर, हाँ उसके बगैर नहीं, उनका चलता है इसी तरह। वो अगर खो गया उनकी खोपड़ी गायब है, सोच नहीं सकते। पहले तो अति सोचने की वजह से उनके हाथ बेकार हो गए, कोई भी कशीदाकारी का काम, खाना बनाने का काम, कोई भी काम वो लोग नहीं कर सकते। अब जब उनकी खोपड़ी ज्यादा चलने लगी तो उसके बाद मशीन बन गई, उस खोपड़ी को उन्होंने मशीन में डाल दी, अब जब मशीन आ गई तो खोपड़ी भी बेकार गई, अब सब कुछ उनके लिए मशीन हो गई। मशीन के बगैर वो चल नहीं सकते, अगर वहां बिजली बंद हो जाए तो लोग आत्महत्या कर ले। अपने यहां भगवान की कृपा से अच्छा है अभी भी लोगों को आदत है कि बिजली चली जाती। पर वहां लोग परेशान रहते कि घर कहीं बिजली गई, एक बार अमेरिका में बिजली गई तो न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी आफतें आ गई, कितनी परेशानियां हो गए कि तूफान हो गया, कि कभी जलजला आया हो तो ऐसा आफत नहीं थी जितना कि वो बिजली का, उसका तो बड़ा नाटक होगा। इस कदर इन्होंने अपनी गुलामी कर ली और अब इनको पता हो रहा है कि प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए, अब इन प्लास्टिक का क्या करें, इनको नष्ट कैसे करें, अब इसके पीछे में लगे हुए, अब सर पकड़ के बैठे। एक घर में अगर आप जाइए तो आपको न जाने कितनी तरह की प्लास्टिक की चीजें मिलेंगी। अब हिंदुस्तानी लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मुझे कहते हैं मिलाज से आते वक्त नायलॉन की साड़ी लाओ। अरे भाई यहाँ इतनी बढ़िया कॉटन की साड़ी मिलती है, सिल्क की साड़ी मिलती है, काहे को वो नायलॉन पहनते, पर हम लोगों को तो नायलॉन का शौक हो गया है, कल हमें प्लास्टिक का शौक हो गया। वहां किसी को बताते किसी को विश्वास नहीं होता कि हम लोग इतने बेवकूफ हैं। वहां पर तो लोग कॉटन को भगवान समझते हैं क्योंकि उनको मिलता ही नहीं, पहले उन्होंने खूब कॉटन के कपड़े बनाए। और अब जैसे एक समझ लीजिए कि घर उनके यहाँ शराब लोग पिए, समझ किसी घर में है तो 10 तरह के ग्लास होंगे, इसके लिए ये ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास, उसके लिए वो ग्लास। खाना खाने बैठेंगे
तो एक के लिए एक चमचा, दूसरे के लिए दूसरा चमचा, तीसरे के लिए तीसरा चमचा, उसके लिए दूसरी प्लेट, उसके लिए चौथी प्लेट। अरे भाई एक थाली ले और इस हाथ से खाओ। 25 तरह के ग्लास और 25 तरह के ये और 25 तरह की तश्तरिया भगवान। अब ये हालत आ गई कि उनके जितना भी था वो निकल गया, पृथ्वी माता से सब कुछ तत्व निकाल डाला है। अब खोखले हो गए, अब काहे में खाते, सुबह शाम हर वक्त कागज में खाते। हमारे एक रिश्तेदार गए थे वहां, बेचारे पुराने आदमी है अमेरिका, कहले साहब मैं तो तंग आ गया, रोज पिकनिक करते करते हालत मेरी खराब हुई, जब देखो तब वो अपनी या तो प्लास्टिक की प्लेट और या तो कागज की प्लेट इनके घर में। तो ये हालत इनकी, और हम लोग कहते हैं अफ्लुएंट है पैसे वाले, अरे भाई इनके पास है क्या सिवाय प्लास्टिक की, और इनके पास क्या है, प्लास्टिक का खाना, प्लास्टिक में रहना और प्लास्टिक में मरना। और इनकी घरों की हालत ये हो गई है कि रहे रहे होटलों में मरे अस्पतालों में। ये तो एक खाना बदोश हो गए, इनका तो सारा ही कुछ मिट गया है। तो तत्वतः इनकी इतनी गलतियां हो गई है साइंस वालों की कि किसी भी बात पे मैं बात करूंगी तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। मेडिकल साइंस को देख लीजिए, कोई कहेगा कि मेडिकल में इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या हुआ है, खाक हुआ है, जरा देख लीजिए। अब बता रहे थे अभी अभी कि साहब ये जो आप मंजन करते हैं वहां पर, उनका जो टूथपेस्ट होता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, इसकी वजह से, वो क्लोरोफॉर्म मिला देने की वजह से अब कैंसर होने लगा। तो मुझे कोई लोग कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान से मंगा दीजिए हमको नीम टूथपेस्ट वगैरह, उसमें क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि अब क्लोरोफॉर्म महंगा, हम कहाँ से भेजें, हम तो लगा नहीं सकते क्लोरोफॉर्म उसमें, यहाँ से चीजें जाना शुरू। हाथ में जो वो लोग साबुन लगाते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, असल साबुन नहीं होता। हिंदुस्तान का साबुन थोड़े दिन में देख लीजिएगा सारे दुनिया में चला जाएगा। आप लोग अब शेयर वेयर मत लीजिए लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का साबुन शुद्ध होता है, वो तत्व पे बना हुआ, कोई आर्टिफिशियल पे नहीं। हर एक चीज वहां की, जो मैं तो कभी भी विदेशी चीज को इस्तेमाल नहीं करती, इसी क्योंकि सब चीज आप देखिए इनके वो बड़े बड़े सेंट्स होते हैं, तबाक होता है, क्या क्या होता है उसमें, सारा कुछ नहीं तो तंबाकू होते, तंबाकू के बनाए, इसलिए तबाक शब्द है। और क्योंकि वो तंबाकू थोड़ी थोड़ी चढ़ती जाती है, आदमी को नशा आते रहता है, वो तबाक जो उत्पादन है वो तबाकी करेगा, और वो सोचता है कि मैं भाई बड़ा एलीट हूं, मैं तो तंबाक ही इस्तेमाल करूँ। अरे वो भाई तंबाकू है माने जो तंबाकू गुड़ाकू का पानी उससे बनाया हुआ, और अपने यहाँ की इत्र असल होती, असल में होते हैं, इनके यहाँ सारे केमिकल्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करने से कोई भी चीज इनके यहाँ है। अब ये कहते हैं कि सर में कोई कोई लोग लगाते हैं ना हिजाब विजाब, तो अपने यहाँ तो लोग पहले अगर होता ही था तो मेहंदी वगैरह लगा लेते थे, और ये लोग जो चीज लगाते उसमें कैसे सर में कैंसर हो जाता है। वहां इतनी आर्टिफिशियलिटी हो गई कि लोगों के भवे उड़ गई, किसी के बाल उड़ गए जवानी में, किसी के दाढ़ी नहीं आती, किसी के कुछ नहीं आती, अजीब पूरा हाल है। पता हुआ कि वो कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर गए कि ये सब उनका होना बंद हो गया। वहां सरदार जी लोगों का बुरा हाल होगा। अगर वो लोग ज्यादा शराब पिएंगे तो और भी बुरा हाल होने वाला है। बहरहाल जो भी हो, कहने की बात यह है कि आर्टिफिशियल चीजों में जाने से, क्योंकि हमने अपने तत्व को जाना नहीं, जब हम इन सब पंचभूतों के, पंच महाभूतों के तत्व पे उतरने को गए तब भी हम जड़ में फंसे। उसकी जो जड़ता है वो उसका तत्व नहीं है, सारे पंच महाभूत का तत्व है ब्रह्म तत्व। और ब्रह्म तत्व क्या है, उसको पाने के लिए सिर्फ आत्मा पाने से ही वो ब्रह्म तत्व हमारे अंदर से बहना शुरू होता है। उस तत्व को तो हमने खोजा नहीं, और खोजते गए वहां पहुंच गए जहां वो चीज बिल्कुल बाहर आ गई और जड़। उसलिए यह हालत है कि उस देश में भी कोई लोग खुश नहीं है, बड़ा साइंस मिल गया, बहुत विद्वान हो गए, पढ़ गए, और अब आप कगार पे खड़े हुए हैं कि एक कदम आगे गए और धड़ से सबके सब नीचे। तभी सब लोग शॉक्ड है, बहुत दुखी घूमते हैं और इस कदर परेशान है कि आपको बहुत कम लोग वहां मिलेंगे जिनके कोई ना कोई चीज न फड़क रही, तो आंख फड़क रही होगी, नाक फड़क रही होगी, सर ऐसे होता है, ऐसी पेशानी वहां किसी की नहीं मिलेगी जो शांत। औरतें आदमी को मारती है, आदमी औरतों को।
बच्चों को मारते हैं, माँ बाप को मार डालते, बच्चों को दो बच्चों को हर हफ्ते में माँ बाप मार डालते, कहीं सुना मार ही डालते, मतलब वहां के स्टैटिस्टिक्स है कम से कम दो तो मरना ही चाहिए, और वो भी आप सुनिए माँ बाप मारते हैं। तो ये इस तरह की जहाँ संस्कृति बन गई है तो जानना चाहिए कि उन्होंने तत्व को जाने नहीं, अगर जानते होते तत्व को ये पाते उस चीज में तो आज ये हालत नहीं थी, क्योंकि तत्व जो है वो आनंद देने वाला है, तो इन्होंने तत्व वहां खोला। तो ब्रह्मदेव का तत्व भी गया एक। अब जैसे अपने देश में हम लोगों ने कहा कि साहब निराकार ब्रह्म है और उसको पाना चाहिए, वेद में ऐसा लिखा गया है, ये है वो है, जिद करके बैठ गए। लेकिन वेद में भी लिखा है कि वेद माने विद माने जानना, अगर सारा वेद पढ़ करके भी मनुष्य ने अपने को जाना नहीं तो वेद बेकार हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये बात है तो पहली चीज ये है कि वेद का पठन करने से आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता, उसके पठन से और सब हो सकता है पर आत्मज्ञान नहीं। गायत्री मंत्र है, अब गायत्री बोले जा रहे हैं, गायत्री बोले जा रहे हैं, अरे भाई ऐसे बकवास से क्या गायत्री देवी जागृत हो सकती है, क्या किसी की हुई दिखाई दी आपको? किस लिए आप गायत्री का मंत्र बोलते हैं ये भी आपके पता है। गायत्री को जागृत करने के लिए जरूरी है कि मनुष्य पहले अपने आत्मा को जागृत करे, नहीं तो गायत्री जो है वो परमात्मा की ही एक शक्ति है, जब तक आपने उस परमात्मा को नहीं जागृत किया आप गायत्री के सहारे कहाँ चलिए। समझ लीजिए अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर नाराज है, समझ लीजिए तो आप तो काम से गए, आपने किसी दूसरे को प्रसन्न कर भी लिया तो आप तो काम से गए ही हुए, कोई आपको बचा नहीं सकता। तो जब तक आपने परमात्मा को पाया नहीं तब तक ये सारी शक्तियां व्यर्थ है, ये इसका साक्षात। और तत्व सिर्फ आत्मा ही, उसी को पाना होता है। ये जो शक्तियां हैं इसको पाने से आप परमात्मा को नहीं पा सकते, पर परमात्मा को पाने से इन शक्तियों के तत्व पे आप उतर सकते। आप जो है कि हमको दूसरी ओर ऐसा चित्त देना चाहिए कि इससे ऊपर जो शक्ति है जो कि देवी शक्ति मानी जाती है, ये आपके हृदय चक्र में होती है। हृदय चक्र हृदय से मतलब है, कौन है ऐसा नहीं करने का बेटा, यहां बैठ के ऐसा नहीं करने, बच्चों को पता नहीं एक भी बच्चा अगर गड़बड़ आ जाए सब बच्चे पकड़ जाए, शांति से बैठो, नहीं तो मागे पाठ ही अगली तस कर शांत बसते नहीं। तो अब जो दूसरा तत्व है, मतलब जिसको कि हमें कहना चाहिए हृदय चक्र का जो तत्व है वो देवी तत्व। अब देवी तत्व क्या है हमारे अंदर, जब ये खराब हो जाता है तो क्या उसे नुकसान होते हैं, इसको आप समझ लें। देवी तत्व से हमारे अंदर सुरक्षा स्थापित होती है, जिससे हम सुरक्षित होते हैं। जब बच्चा एक 12 साल का होता है तब तक इस देवी तत्व के अनुसार हमारा जो स्टर्नम है, जो ये सामने की हड्डी है यहाँ पर, उस हड्डी में सैनिक तैयार होते हैं जिसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं, ये देवी के सैनिक हैं, और ये सारे शरीर में चले जाते हैं और वहां जाकर के सज्ज रहते हैं कि आप पे कोई भी तरह का अटैक आए तो उसे रोक। जब आपकी सुरक्षा किसी तरह से खराब हो जाती है उस वक्त ये चक्र पड़ता है। अब मैंने अभी जो कुछ दिन पहले बताया था कि स्त्री में विशेषकर सुरक्षा बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे कि एक स्त्री है अच्छी है सद्गुणी है, लेकिन उसकी मनुष्य या पुरुष ने पति ने उसको सुरक्षा नहीं, समझ लीजिए एक औरत है उसको अपने पति पर शक है, शक ही है समझ लीजिए कि यह हमारा किस्म का आदमी किसी और औरत के साथ है, उसका यह चक्र पकड़ जाए। इस वक्त आदमी को बजाय इससे उससे नाराज हो उसका फिर से सुरक्षा चक्र ठीक करना चाहिए कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई और स्त्री नहीं, उसके तरीके हैं उसको सीखना चाहिए किस तरह से औरत को सुरक्षा दे।
बजाय इसके कि औरत से बिगड़े, पर लोग इतना ही नहीं करते। वो तो खुलेआम औरत के सामने, हाँ तुम कौन होती बोलने वाले, तुम हमें टोकने वाली कौन होती है, और तुम बड़ी ये हो, तुम्हें बड़ी शक्की हो, और जाओ तुम अपने बाप के घर। दूसरा सुरक्षा उसका खत्म। आदमी को अपने हिंदुस्तान में खासकर लगता है कि वो जो चाहे सो ठीक, वो कभी पापी नहीं करता। सारा जो कुछ भी चैस्टिटी है वो औरतों का ठेका है, आदमी को कोई जरूरत नहीं चैस्टिटी। ऐसा अपने यहाँ ऐसा लोगों का विचार है। फिर उसका इलाज जो है वो कायदे से हो जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में आप जाइए तो सब आदमी हमाल होगा, बिल्कुल हमाल है, सुबह से शाम शाम गधे जैसे काम करते हैं, और घर पे आए बीवी ने अगर उनको डिवोर्स कर दिया किसी भी वजह से तो उनका घर बिक जाता है, आधी प्रॉपर्टी बीवी की और आधी उनकी। एक आदमी ने कल 3 बार ऐसा किया उसके साथ हुआ तो वो तो एकदम रास्ते पे पड़ गया, वो शराब पी पी के मर जाएगा, और बीवी जो है उसके पास खूब पैसा हो जाएगा, उसने 3 शादियां कर ली हो गए। फिर जब बाह्य से तत्व से नहीं बाह्य से उसका इलाज होता तो ऐसा होता कि वहां के आदमी जो है, आपको विश्वास नहीं होगा कि वहां के आदमी जो है बेचारे वो हर समय औरतों के पीछे दौड़ा है, और वो उनके ऊपर हुक्म जमाती है कि बर्तन साफ नहीं किया आपने, ऐसे बर्तन साफ किए जाते हैं, चलो झाड़ू लगाओ। और तुमको झाड़ू लगाना नहीं आता, किस तरह से झाड़ू लगा रहे हो, कभी तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया नहीं झाड़ू लगाना। और इस तरह से आपने हर समय वहां झाड़ू लगाते रहता है, मैंने देखा अपनी आंख से, आश्चर्य होता है। और सारा पीतल उसको साफ करना पड़ता है, और सारी सफाई रखनी पड़ती है, गंदा हुआ 4 आदमी बैठे रहे चलिए उठाइए, उठे सफाई करना शुरू करो। और इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा कि प्रदेश में किचन का जो व्यवस्था संस्था बहुत डेवलप हो गई है, क्योंकि आदमियों को करना पड़ता है। यहाँ पे चक्की चूल्हे में अगर बैठे तो पता चले अपना अपने आदमी लोगों को कोई भी काम करना नहीं, कोई भी काम आदमी हो गए बल्कि क्या लोग, कोई भी घर का काम करना, कोई भी चीज ठीक से करना, इससे उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कि हमने देखा है कि जब वो विलायत जाते हैं तो उनके छक्के पन्ने छूट जाते हैं, आदमी खाना बनाना उनको आता नहीं, बर्तन धोना उनको आता नहीं, झाड़ू हाथ में लेना उनको आता नहीं, कोई काम करने नहीं। और वहां तो नौकर कुछ होते नहीं, जब जाते हैं स्टूडेंट्स खास करके उनकी हालत खराब, कहले माँ की बड़ी याद आ गई है, क्यों, क्योंकि माँ हमारे अब हमें खाने को नहीं अच्छा मिलता। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बनाते, बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं, आदमी होगा तो निठल्लू फिर उसको कोई मतलब। मैं अभी एक बड़े भारी सेक्रेटरी साहब हैं एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, उनसे बात करी, मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि 10 साल के अंदर इस हिंदुस्तान में सिर्फ औरतें नजर आएंगे, आदमी सब झाड़ू लगाएंगे। मैंने कहा क्यों, कहने इतने निठल्लू होते हैं आदमी कि स्टूडेंट्स में हमने देखा कि लड़कों के जो लीडर्स होंगे दुनिया के गुंडे जो कभी पास नहीं होते, 10-10 साल एक क्लास में बैठे हैं वो उनके लीडर होते हैं। मैंने कहा तभी अपने देश का नजारा दिखाई देगा। और औरतों के जो लड़कियों के जो होते हैं वो लड़की जो फर्स्ट आती है क्लास में, जो ब्रिलियंट है, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसमें शाइस्तापन है और जिसमें कुछ विवेक है, ऐसी लड़कियां उनके लीडर आते हैं। आप लड़कियों को कोई बात समझाइए तो कायदे से समझ जाएंगी, सब समझ जाएंगी, और लड़कों को कहिए तो वो हर समय लठ लेके खड़े हो। और वो लीडर ही ऐसे गुंडे होते हैं, इतने शैतान होते हैं, उनसे आप बात। और लड़कों का यह है कि साहब लड़कियों को तो सुबह शाम ट्रेनिंग, तुम ससुराल जाने का, तुमको ससुराल जाने का, और लड़कों को ट्रेनिंग है कि ससुराल जाओगे तो कम से कम एक मोटर लेके आना। तो इस तरह से जब हम किसी भी व्यवस्था के ऊपर उसके तत्व नहीं ढूंढते और उसके तत्व से उसका इलाज नहीं करता है, तब हमारे अंदर बड़े दोष आ जाते हैं। और इसीलिए विवाह का तत्व जो है समझ लेना चाहिए। और वो तत्व ये है कि हमारे अंदर हमारी जो पत्नी है वो हमारी पत्नी है। अपने देश के लोगों से ये कह रहे हैं वहां पर उल्टा कहना पड़ता है, वहां आदमियों की सुरक्षा खराब है, उनकी हालत खराब है, लेकिन यहाँ पर जिसका ये चक्र जिन औरतों का खराब हो जाता है उनको ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो सकती है, तपेदिक की बीमारी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी ज्यादातर इससे होती है। अब इसकी बीमारी को ठीक कर करना है, अगर किसी उसके मर्द से कहें कि भाई अपनी बीबी की सुरक्षा ठीक करो तो मेरी बात नहीं माने, वो कभी मान ही नहीं सकता। और डॉक्टर लोग इसको ठीक नहीं कर सकते, बस वो कहेंगे अच्छा ऑपरेशन कर डालो काम करो।
कैंसर हुआ काट डालो, नाक काट डालो, कान काट डालो, यहाँ से इसके ये काट डालो, बस कैंसर का आदि चल रहा है, आधी चीज उसकी खाएगा और थोड़ी चीजें है उसके सारे चल रहा। सहजोग ऐसी चीज, सहजोग तत्व टूट जाता है, इसका कौन सा तत्व खराब है उसे देखता है उसे। अब नाभि चक्र के चारों तरफ जो महान तत्व हमारे अंदर है जिसे कि धर्म तत्व कहना चाहिए, उस धर्म तत्व को संभालने वाला जो तत्व है उसका जो आधार है जिसका जो मार्गदर्शन करता है वो गुरु तत्व, और ये गुरु तत्व अगर खराब हो जाए तो कैंसर की बीमारी बहुत आसानी से हो जाएगी। सबसे आसान तरीका कैंसर का अगर खोजना है तो आप किसी गलत गुरु के पास चले जाइए, 5 साल के आपके अंदर कैंसर ना आ जाए तो। अब मैं 10 साल पहले से बता रही हूँ इन गुरुओं के नाम, ये कैसे गुरु घंटाल हैं, इनके पास मत जाओ, ये तुमको नुकसान करेंगे, ये करेंगे, सब मैं बता रही हूँ। तो सब मुझे ही समझाते थे, माँ ऐसा नहीं कहो, तुमको लोग बंदूक चला देंगे, तुमको मार डालेंगे, फलाना ठिकाना। मैंने कहा किसकी हिम्मत हो तो चला बंदूक, और नाम तक मैंने बताया, सब कुछ किया और सब गए मार खाया और मेरे पास आए। या तो हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक नहीं दिया उन्होंने, इतनी कृपा करके छोड़ ही दिया, तो पागलपन दे देंगे, एपिलेप्सी दे देंगे, उस पर भी उनको चैन नहीं आया तो कैंसर दे देंगे सीधे सीधे, ले लीजिए। तो क्या आपने उनको रुपया चढ़ाया तो कुछ तो आपको देना ही चाहिए, आखिर आपने उनकी इतनी सेवा करी गुरु की, उनके इतनी जेब भरी है तो कुछ ना कुछ आपको मिलना ही चाहिए। और गुरु तत्व जब हमारा खराब हो जाता है तब इतने तरह के कैंसर इंसान में हो सकते हैं जिसकी भी है। मतलब जो पेशानी है इसको किसी के सामने झुकाने की जरूरत है, हर जगह मत्था टिकाने की जरूरत है। हाँ ठीक है अपने माँ बाप है, ठीक है आप टिकाएंगे, पर किसी को गुरु मानकर उसके आगे माथा टिकाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मालूम होना चाहिए गुरु वही जो परमात्मा से आपको मिलाता है। अब मेरा उल्टा, मैं लोगों से कहती भाई मेरे पैर मत छुओ, 6,000 आदमी मेरे पैर पे सर मारते, ऐसे पैर मेरे फूल जाते हैं वाइब्रेशन से। मैं कहती मत छुओ तो नाराज हो जाते हैं, मां दर्शन नहीं देना चाहते। और ये बीमारी लोगों को है कि किसी ने कहा ये आ रहे हैं 108 420 चले सीधे साष्टांग, उसके बाद चक्कर खा के गिर गए। गुरु ने हमें आशीर्वाद दे दिया और हम चक्कर खा के गिर गए, और देखा कि 5-6 साल में बराबर पागल खाने पहुंच गए। दूसरे आदमी देखते भी नहीं कि इस आदमी की कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहती, भाई जिसके गुरु हैं कम से कम इसको ये तो आराम होता। और हजारों की तादाद में, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में जाते। आपके गुरु क्या करते हैं कि 7 मंजिल पे बैठे हैं, वो बोलते नहीं मम्मी बाबा है, बोलते नहीं, बोलेंगे क्या, इस खोपड़ी में हो तो बोलेंगे वो बोलते नहीं मौनी बाबा है, बस जाओगे तो चिमटा मार देंगे। तुम चिमटा खाने के लिए लोग 100-100 रुपया देंगे कि मौनी बाबा है, जितना वो तमाशा करेंगे उतना अच्छा। नए नए तमाशे निकालते हैं, नए नए तमाशे, हर एक गुरु कोई ना कोई तमाशा निकालता। जैसे गुरु ने कहा अब नया तमाशा निकाला कि तुमको मैं उड़ना सिखाता हूँ, बच्चों को बहुत समझ में आता अब, लेकिन बड़ों को नहीं समझ में आता। 3,000 पाउंड लिए, 3,000 पाउंड सोचिए उड़ना सिखाए। अरे मैंने कहा नसीब के मारो तुम्हारे गुरु को क्यों नहीं थोड़ी देर उड़ा के दिखा देंगे, पहले उनको उड़ा लिया होता फिर पैसे दे उनको खाने को बेचारों को, पहले वो आलू उबाले। ये भी इतने सीधे लोग हैं बिल्कुल गधे के, उबाल करके उनको पहले पानी दिया 3 दिन, पहले तुम्हारा वजन हल्का करना चाहिए उड़ा। वो 3,000 पाउंड में, 3,000 पाउंड मैंने मालूम कितना होता, मेरे ख्याल से 6 लाख, 1-1 से 6-6 लाख, अच्छा 6 लाख हुआ ना, 60,000 रुपये 1,60,000। अच्छा उसके बाद में उनसे उनको 2 दिन वो उसके जो छिलके होते हैं वो खाने को दिया आलू के, सबको कहने लगे भाई वजन तुम लोग का बढ़ाने चाहिए। फिर जो सड़े हुए आलू थे वो आपके दिन दे दिए, तो उनको फिर डायरिया लग गया, तो कहा कि बहुत जरूरी है इसी से तुम्हारा वजन घटेगा। फिर थोड़े दिन उनको उल्टा टांग दिया लगे रहिए इससे आपका वजन घट रहा। फिर उनको एक फोम में रखा, पहले इस पर कूदने की कोशिश करते थे घोड़े पे कूदते, इसको कूदवाना शुरू कर दिया, उनके फोटो ले लिए छपा दिया कि हम हवा में चल रहे हैं।
बिल्कुल झूठ, महा झूठ, सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ। और कल हम चल रहे हैं, बताइए आपके क्या मोटरें हैं, गाड़ियां उसमें चलिए, आपको ऐसे ऐसे हवा में चलिएगा तो सब टक्कर खाइएगा। आप सोचे क्या जरूरत है, क्या आदमी को पक्षी होने की जरूरत है, उसको कोई विशेष चीज, वो परम होना चाहिए, उसकी परम दशा आनी चाहिए। ये जब आप गुरु तत्व में अपनी अकल खो देते हैं और ऐसे बेवकूफों के पास जाते हैं तो आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है, आप सोचते भी नहीं। अरे एक महाशय कहने लगे मुझसे कि माँ लेकिन मेरे कर्म गति का क्या होगा, तो मैंने कहा तुम्हारे गुरु क्या कहते, कहले मेरे गुरु ने कहा है कि तुमने जो कर्म किए जितने पाप किए उसके उसमें से 1/68 मैं खा सकता हूँ। और मैंने कहा कौन सा हिसाब लगाया, और बाकी का कौन खाएगा, इसका मतलब और